शामली में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शामली में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा का नेतृत्व एसपी राम सेवक गौतम ने किया। तिरंगा यात्रा शामली नगर की विभिन्न क्षेत्रों से होती हुई कोतवाली परिसर में समाप्त हुई। आपको बता दें कि एसपी राम सेवक गौतम के नेतृत्व में आयोजित इस तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी शामिल हुए। उनके हाथों में तिरंगा झंडे थे जो देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बने। यात्रा के दौरान नगर के विभिन्न क्षेत्रों में तिरंगा लहराए गए। लोगों को हर घर तिरंगा अभियान के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। वहीं रेल पार और अन्य क्षेत्रों में समाज सेवियों और छात्रों ने भी तिरंगा यात्रा निकाली। उन्होंने भी तिरंगे के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान प्रकट किया और स्वतंत्रता संग्राम में शहीदों के बलिदान को याद किया। इन तिरंगा यात्राओं में शहर में एकजुटता और राष्ट्रीय गर्व का संदेश फैलाया। वहीं एसपी राम सेवक गौतम ने कहा कि यह तिरंगा यात्रा हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित किया गया है। इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं एसपी राम सेवक गौतम, आइए आपको सुनाते हैं। हर घर तिरंगा जो अभियान चल रहा है उसी के तहत पुलिस जनों द्वारा भी आज ये तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिससे तिरंगे के प्रति लोगों में जो स्वाभिमान है वो जागृत हो और साथ ही जो हमारी राष्ट्रीयता है और जो हमारी स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी गई उसके प्रति भी लोगों में अवेयरनेस आए और उनके प्रति जो शहीदों ने अपना बलिदान दिया है उनके प्रति भी हमारा सम्मान जो है होना चाहिए वो भी व्यक्त हो। इस दृष्टिकोण से पूरे भव्य तरीके से ये यात्रा तिरंगा यात्रा निकाली गई। विभिन्न गलियों में मोहल्लों में और चौराहों पर होती हुई पुनः ये कोतवाली परिसर में समाप्त हुई। वहीं एसपी राम सेवक गौतम ने कहा कि इसका उद्देश्य तिरंगे के प्रति नागरिकों को स्वाभिमान जागृत करना है और शहीदों के बलिदान की श्रद्धांजलि अर्पित करना है। हम सभी का दायित्व है कि इस अभियान का हिस्सा बने, देश के प्रति अपनी निष्ठा और प्यार को प्रकट करें। यह यात्रा नगर की गली मोहल्ले से होकर शामली के सदर कोतवाली पहुंचने पर यात्रा का समापन हुआ। तिरंगा यात्रा ने नगर में एक सकारात्मक ऊर्जा और राष्ट्र प्रेम का संचार किया, जिससे स्वतंत्रता दिवस की धूम और बढ़ गई। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए पंजाब केसरी.com को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।